गाड़ी आनी चाहिए थी, भर्ती होनी चाहिए थी, भर्ती नहीं हो रही, सरकारी बस नहीं आ रही है, ये पुरानी गाड़ियों काम से चलाना पड़ा, जनता परेशान हो जाए। ये इस रोड की ये हालत है कि ऊंट गाड़े वाले भी बस से जल्दी पहुंचेगा निमका थाना। अच्छा, बस पौने दो घंटे लेती है यहाँ से। भाई एक अनाउंसमेंट को तो फिर भी ठीक है, अनाउंसमेंट तो होने लग रहे है। समस्या तो ये है, घर भी कैसे चलाए, कहाँ जाए, किससे मांगने जाते हैं तो वो मजाक और उड़ाते हैं कि यार आप हमें दो या हमसे मांग रहे हो। तीन महीनों ये 15 तारीख तीन महीने तनखाया तो परेशानी तो है ही। और इजा बिल्कुल गंदगी है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। अब महिला का पीरियड्स आया रहेगा, महामारी आई रहेगी, तो बस सैनिटरी पैड को यो मशीन इजा देखेगी, सोचेगी कि भाई सैनिटरी पैड काट लूं। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स अकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम जी। मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ खेतड़ी, और खेतड़ी मेरे पीछे थे देख रहा होगा कि भाई केंद्रीय बस स्टैंड खेतड़ी। तो मैं आज खेतड़ी बस स्टैंड है, डिपू है, बी के अंदर आई हूँ। और आज आप इन्हें देखांगा कि भाई जो खेतड़ी के अंदर जो बस डिपू है बी के अंदर के कुछ व्यवस्था है। अड़े आस पास की सवारी जहाँ बैठी हैं, अभी लगभग 10-15 लोग ही भाई जा बैठे ही, अनु बातचीत करांगा, कठे आए हैं, कठे जाएँ, कितनी देरों गाड़ी को इंतज़ार है वो करण लाग रहे हैं। साथ साथ में अड़े की कुछ समस्या ही, पानी की व्यवस्था है या कोनी है, वॉशरूम की भाई पुरुष शौचालय हो चाहे महिला शौचालय हो भी की व्यवस्था है या नहीं है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। कठे आया हूँ अंकल जी, नालपुर से आए हैं भाई। तो अभी कितनी देरों इंतजार कर रहे हो? 2 घंटा से कर रहे हैं इंतजार हम। दो घंटा पूरा 2 घंटा हुआ था ना बैठे। और नालपुर की बस अभी तक लगी कितनी देर में जा बस को आना? पता को नहीं साहब, पता को नहीं। खेतड़ी प्राइवेट तो हर आध पूर्ण घंटा में, हर आध पूर्ण घंटा में जाए, रोडवेज अभी तक गई को नहीं। रोडवेज गई को नहीं। हाँ जी आंटी जी, थे कठे आया हो, कठे जानो है, कितनी देर बैठ रहे हो? मैं तो देखो हाँ तक खेतड़ी का 2 घंटा घुमा नहीं बैठे, मैं सिंगाने जा रहा। तो यहाँ 2-2 घंटा इंतजार करोगा जाते, कितनी देर तक नहीं इंतजार? अब के करा तो सब के करा तो प्राइवेट आए एक आई गई वडाटी कोनिया निकल गा, मैं जद का उरे बैठे हां, जद का उरे बैठे हो? उरे बैठे। अभी देखा तो थे कर्मचारी हो, बस चलाओ, रोडवे चलाओ, कठ्यों कड़े चलाओ, जयपुर खेतड़ी चलाओ। कती बजे तक थारी बस सेवा चले? बस हमारी चले सब 4 बजे से लेके रात को 8:30 तक। खेतड़ी जयपुर का दिन में 2 चक्कर 1 चक्कर? एक चक्कर होता है, एक गाड़ी, 2 गाड़ियों 1.5 चक्कर होता है, एक और सबका 1 चक्कर होता है, खेतड़ी से सिगाने से जयपुर का। अब ये बताओ कि जो थे बस चला रहे हो, बस कौन सी है थारी? बस तो गई या छुट्टी पर मुझे थे, छुट्टी पर हो। अब ये बताओ रोडवेज की जो हालत की आप बात करा थे, एक ड्राइवर हो तो थे थारा दुख सुख की बात है? सुख के साथ एक तो टाइम पर तनख्वाह आती है, 3 महीनों का 15 तारीख तीन महीने तनख्वाह आया तो परेशानी तो है ही। मार्केट में सामान वो कुंज उधार में क्यों ना, परेशानी तो है ही, वो परेशानी भी हम तो सब कर्मचारी झोल रहे। 3 महीना अभी तक थारी पेमेंट को नहीं आई, और महीना का तन पेमेंट कत्ता मिली पूरा मत बताओ, फिक्स लगभग बताओ? लगभग करीब 25,000 रुपये मानो ना, 25,000 रुपये मिली। 3 महीना रुक रही है, 3 महीना तो होता दिन, हम तो इंसान से मरते हुए मरते, परेशानी तो है, बच्चा फीस की है, दिक्कत आ रही है, दुकान में मार्केट सामान चीनी की दूध की चाय की सबकी परेशानी। और जो थे रोडवेज चलाओ हो, अठे की रोडवेज है की आप बात करा तो ये कितनी साल पुरानी रोडवेज ही, कती कती ये चाल चुकी ही, और ये आखिर एक व्यवस्था की जी तरीका में बात करा की बी कंडीशन में ही के जो ये चल रही है? जो 10 गाड़ियां हैं वो कंडीशन में नहीं है, 13 मॉडल गाड़ी है, वहाँ 9 किलोमीटर 2013 मॉडल जो मेरे सामने ही निकली है एक, तो यहाँ 13 मॉडल है, एक कंडीशन खत्म होगी, किलोमीटर इसका पूरा हो चुके हैं जबरदस्ती। एक रोडवेज का कितना किलोमीटर हुई? करीब 10 लाख करीब हुआ। अरबा जो रोडवेज गई है बा देखो, लगभग मैं अडे सुनी हूँ ड्राइवर के तहत बा बोला कि मैं मारी फोटो मत दो, पर लगभग 25 लाख चाल गई किलोमीटर पर पूरा हो चुका उनका, गाड़ी नहीं आना से काम काटने पर सवारी परेशान हुए। सरकार बोला कि भाई रूल ही बन फॉलो करो, और जब तक थे ही बात नहीं मानोगा तो कौन मानेगी, तो सरकार ही कठे माना लग रही है बात। सरकार कठे माने, सरकार तो गाड़ी आनी चाहिए थी, भर्ती होनी चाहिए थी, भर्ती नहीं हो रही, सरकारी बस नहीं आ रही है, ये पुरानी गाड़ियों काम से चलाना पड़ा, जनता परेशान हो जा, भाई गाड़ी नहीं निकली टाइम पर। और एक रोडवेज के अंदर कितनी सवारी बैठनी चाहिए?
50 सवारी बैठनी चाहिए, 50 और सीट टू सीट बैठनी चाहिए थे, कितनी सवारी बिठा के ले जाओ? बस मार दूं तो भाई 50 ही बैठे, ज्यादा बैठे होंगे पुरानी जहाँ आगे कई जहाँ बसा की अटे कमी है, तो बसा की कमी है तो इन तो ज्यादा भी बैठ जाए, खाली चल जाओ, ये तो टाइम भी कटनी है ना, टाइम पर चलेंगे तो खाली हो जाए भरी हो, ज्यादा सवारी भरी ज्यादा सवारी जाएगी, कम कम हो तो कम जाएगी। सवारी मना तो करी कर सकते कर्मचारी। फिलहाल आप रोडवेज है भी का अंदर आया हाँ, तो आऊँ बातचीत कराँगा। हाँ जी राम राम जी, है बताओ कि 50 सवारी बैठी तो कितनी सवारी अभी बिठा रखी है? लगभग 35 सवारी है, सीट टू सीट ही बैठे लगभग। हाँ हाँ, तो अभी कठे जा रही है गाड़ी या खेतड़ी से सिंगाना जा रही है? और भैया आ रही कठे हूँ सिक्कर से सिंगाना, सिक्कर से सिंगाना कठिन कठिन होती आ रही है, सिक्कर से नीम का थाना होते हुए सिंगाना जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी देखा तो जो महिला को आधो किरायो करो हो, एक अप्रैल वो चालू हो, चालू हो तो लुगाया को आधो लगाएगी, आधो लगा सिंगाना को भैया कितो किरायो है? भैया 11 रुपया किराया, 15 रुपया जेंट्स को है, अभी 11 रुपया लगे और लोकल गाड़िया में 10 रुपया लगे। नहीं अब आ महिला अब यह एक्सप्रेस किराए में है तो अब 11 रुपया ही आएगा। 11 के एक्सप्रेस किराए आगो के एक्सप्रेस मनाई के अंदर आपा फिलहाल एक्सप्रेस थोड़ी तेज चाल जाए और एक्सप्रेस तो के मतलब मैं तो गवर्नमेंट को 130 किलोमीटर चल के आ रही है ये, इसलिए उसको एक्सप्रेस किराए में। अच्छा, अभी देखा तो कि कंडीशन की बात करा तो यहाँ कौन सा मॉडल है? ये 13 मॉडल है, 13 मॉडल अभी तक चल रहे हैं। हाँ, और ये कंडम कंडीशन में जा रही है, मतलब कि अभी फिलहाल कोई कंडीशन कौन चल रहा नहीं, बंद होने के कगार तड़कनी के साथ में मान लो कि भगवान चावन न हुए कोई हादसा हो जाए तो क्या हुए? हादसा हो जाए तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है, तो गवर्नमेंट ने थे के कुछ खड़ो चाहोगा? गवर्नमेंट तो बोला कि भाई सारा रूल नहीं वह फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए, तो गवर्नमेंट ही बात को नहीं मानने लग रही? गवर्नमेंट तो हमारी कर्मचारियों की नहीं बात मान रही, दो महीने हो गए तनख्वाह दिए, 2 महीने हो गए और समस्या तो बड़ी हुई। मेन समस्या तो ये है घर भी कैसे चलाएं, कहाँ जाएं, किससे मांगने जाते हैं तो वो मजाक और उड़ाते हैं कि यार आप हमें दो या हमसे मांग रहे हो, यानी कि सरकारी कर्मचारी ही बाकी यह कंडीशन, ये कंडीशन है। और भाई बस की हालत थे देख सको हो, मैं तो देखा तो सीट टू सेट ही आदमी बैठे ही, पर एक ही कंडीशन थे देखी बता इसको कि बस चालन वाली कौन चालन वाली बिल्कुल भी चालन वाली को नहीं है, मजबूरी है इन चलानों क्योंकि अभी जो बस देनी चाहिए लगभग ही डिफूम कितनी नई बस आनी चाहिए, कम से कम 40 बस आनी चाहिए नई बस, इन कत्ती बस चल रही है अभी 40-45 के लगभग चल रही है, टेंडर की है। हाँ जी, आधी गाड़ियाँ टेंडर की हैं। अच्छा, और 15-20 हैं रोडवेज की गाड़ियाँ, तो कोई 15-20 वैसे खड़ी रहती है। अच्छा, जो 40 गाड़ी के अंदर चल रही है कौन सी कत्ती गाड़ी कंडीशन में चलने की? मुश्किल से 25 गाड़ी है चलने लायक, बाकी सब कंडम हो चुकी है और ये गाड़ी अभी भी चल रही है। आ गाड़ियाँ थे रोक दो तो क्यों है? मैं रोक दिया तो मारे एबसेंट ला गए, गवर्नमेंट एबसेंट लगा और माने कागज मिले, यो काम हुआ। अच्छा, तो थे कर कौन सको? मैं कौन कर सका, मैं तो मजबूर आने सरकारी कर्मचारी रहेगा, मैं तो पब्लिक भी कहती रहा तो बाकी सुननी पड़े, कहते पानी कई बार बरसात आवे पानी पड़े तो भी पब्लिक बोले कि भाई यो क्या कर रहा है, क्यों पानी गिर रहे भाई, तो मैं बोला भाई मैं क्या कर सका, ये तो थे या तो गवर्नमेंट ने ज्ञापन दो या कोई अधिकारी या मंत्री बड़ा ने बोलो क्यों चक्कर। तो ये रोडवेज की कंडीशन है कि पानी भी पड़े, ऊपर से भी पानी पड़ता है और साइड से भी पानी आता है, नीचे से भी पानी आता है, नीचे पानी भरे हो रहा है तब भी आवे। हाँ, तब तो फिर रोडवेज की भाई कंडीशन खराब है, और ऊपर के पानी की बात करा तो अठिंदे देख रहे होगा कि पूरी टूट रही है, आगे भी का जर है वो जो आ रहे हैं। हाँ अंकल जी थे कुछ बोल रहे हैं? को बंद हो जाए तो समस्या को नहीं कितने जानू पड़ा कितने काम धंधे था, हाँ तो वो समस्या हुआ घरा बैठे के ग्राम में। अच्छा थे खरे वो बंद नहीं होनी चाहिए? बंद भी नहीं होनी चाहिए और नई गाड़ी भी आनी चाहिए, बंद हो तो बाग अठो ही है, बंद तो कहीं होगी कहीं आवे रिश्तेदारी में जानू अभी बात थे समझे को नहीं, बात ये है कि या बस जय मानो भाई थे कत्ती साल का हुआ है बताओ? मैं हुआ गो 75 साल हूँ। अच्छा, अब तरह नहीं चलो जागो जा और थोड़ा मानो बुढ़ा तो हो रहे हो थोड़ा और हो जाओगा स्थिति में, चलो तरह अच्छो खाओ पेड़ो है ना अभी स्थिति में हो चालो नाली में ना तन कोई कहो चाल जना जोरामती क्या चलोगा ना जोरामती कट चले जाओ, मैं तो चुनाव ही करा कर तो अभी छोड़ दो 5-4 साल
नंबकना कहीं चुनाई कौन करेंगे तो यही भी यही रोडवेज की कंडीशन है कि कंडीशन कौन चलन वाली फिर भी चलाई जा रही है धक्को दियो जा रही है के करो थी बस ये जमानो ही सो आ रहे था बुड्ढा के धक्को मार रहा है के करेंगे जमानो को नहीं सरकार सरकार ने ध्यान दे नहीं बुड्ढा कमा सकेंगे बुड्ढा आदमी नहीं बुड्ढा आदमी कमा सके सरकारी तो कोने कोशिश करे मगो सरकार कोशिश कर लेना तो सारा काम हो जाए कैदी डिपोगी या तो ऐसी बस क्या क्या है ऊपर तो पानी पड़ने लग रहा है पानी तो साफ पड़ेगा नेता ही आएगा हमारे खेत में नेते ऐसे हमारे खेतरी में क्या करें थे कठा का रहना ना हो मारो गांव तो बड़े रहने पर की खेतरी ना सन 1982 से तो थन जाए तो ना बस में नहीं बस में तो कौन जानो अठे रहनो है माने बस में जावा हां तो ये रोड पूरी खराब है इस साइड में जानो जानता है माना अच्छा में ना होगा नीम का थाना तो रोड ही है जानो की खाडा उबड़ खाबड़ उबड़ खाडा है जान के इच्छुक ही कौन है मैं तो कुछ अड़िया की रोडवेज की कंडीशन की बात करा तो मैं तो लोगों पतो लागो फिर भी तेके कुछ कर लो चाहो कंडीशन तो यहाँ देखो राजांग और रजवाड़ा टाइम को पटना तय राज था मगर क्या करें इसको डॉक्टर ने भी नहीं चाहे वह खेतरी जिला बने या इसका सुधार हो कोई नेता नांगड़ा ऐसा नहीं है यहाँ खेतरी में भाई एक अनाउंसमेंट को तो फिर भी ठीक है अनाउंसमेंट तो होने लग रहे हो तो मन फिर भी ठीक लग रहा है समस्या आपके सामने है मैम देखो ना देखो हालत देखो क्या बसों की कैसी हालत हो रही इनके पास बसें नहीं तो ये कहाँ से लाएंगे इनके पास सामान नहीं आता हम यहाँ तो लोकली बैठते हैं लेकिन सुनते हैं रोज इनको पेमेंट भी नहीं मिलता 3-3 महीने से पेमेंट नहीं आया इनका सोचो कि जो बताई जा ही एक्सप्रेस है बाकी की एक्सप्रेस है बिखो पर ऊपरों नीचे शगलाऊँ तो पानी आने लग रो है पूरी बार खचड़ खचड़ करने लग रही है सीटी बह की पाट रही है तो रोड मेन तो रोड से कम रोड तो सही है अच्छा तारी रोड की समस्या आ गई है हाँ रोड की समस्या यह है कि नीम का थाना खेतड़ी नीम का थाना खेतड़ी बोले रोड मैंने बता दो इतनों खड्डो है हर कड़ी जाओगे इतनों खड्डों मिलोगे फिर बाद में गाड़ी चलेगी तो बाद गाड़ी टूटेगी भी सारा काम होगा बात हरी बिल्कुल राइट सही बात है कि भाई उबड़ खबड़ रोड होगी तो भी अंदर गाड़ी चलेगी तो टूटेगी ये इस रोड की ये हालत है कि ऊंट गाड़े वाले भी बस से जल्दी पहुंचेगा नीमका थाना अच्छा, बस पौने 2 घंटे लेती है यहाँ से क्लच ब्रेक ही नाइट में कोई भी गाड़ियाँ नहीं और डिपो बना रखा है बिल्कुल राजागंज टाइम का डिपो है कोई देखभाल नहीं इस डिपो की भी अभी जो महिला शौचालय और पुरुष शौचालय है बान आपा थोड़ा सा देखांगा मैं पहले आई हुई अंदर देखे हुई कि भाई कोई महिला है तो नहीं क्योंकि कैमरा मैन जेंट्स ही तो अभी अब एक अंदर चाल सा देखा तो सैनिटरी पैड मशीन लग रही है भाई पैड की मशीन है सैनिटरी पैड जो महिला गए महीना एक बार महामारी आया करे बिम काम में लिया जा ही सैनिटरी पैड है और सरकार हर जगह उपलब्ध अभी करवान लाग रही है तो सैनिटरी पैड की मशीन की बात करूँ तो मशीन बिल्कुल खाली है कुछ भी अंदर कठिनों भी कुछ भी चालन है वो लाग रहे को नहीं है अब महिला का पीरियड्स आया रहेगा महामारी आई रहेगी तो बस सैनिटरी पैड को ही मशीन ही जा देखेगी सोचेगी कि भाई सैनिटरी पैड काट लूँ तो के कठियों के बाद पैड है वो निकालेगी क्योंकि यही मशीन के अंदर तो कुछ है ही को नहीं डस्टबिन है वो ठीक है और फिलहाल मैं वॉशरूम की बात करूं सच बात बताऊं तो बन रहा बहुत अच्छा ही हर एक चीज़ की क्वालिटी के अंदर दे रखी है चाहे वह टूटी की हो चाहे वह नल की हो चाहे वह वॉश बेसन की हो चाहे वह टिश्यू की हो हैंड वॉश की हो सारी चीज़ है एसी भी के अंदर लाग रही है साथ साथ में आप बात करा तो ड्रायर भी लाग रही है ड्रायर मतलब आप हाथ देगी और अपने हवा आवेगी और भी कम मैं अपना हाथ ही बैठ ड्राई हो जाऊंगा जब पानी लाग रही है वो सूख जाएगो जब टिश्यू मशीन भी है कि फट देने से हड़ाऊँ टिश्यू है बापा काट डे के अंदर कोई टिश्यू ही कौन है हैंड वॉश की मैं बात करूँ तो हैंड वॉश बिल्कुल खाली पड़े हुए है और इजा बिल्कुल गंदगी है बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है मैं झूठ बोलती हूँ तो एक बार विजुअल के तहत कैमरा के तहत देख सको कि कितनी साफ सफाई है कितनी साफ सफाई नहीं है जड़े जया जी तरीका सरकारी जहाँ रुपया लगा रखे ही फैसिलिटी के अंदर दे रखी बन कोई भी मेंटेन को नहीं करन लग रो है ऐसी वह बंद पड़ी ही सैनिटरी पैड ही कौन है टिश्यू ही कौन है जो ड्रायर है वो चल रहे को नहीं बिल्कुल ऐस्त व्यस्त है हो रही है और एक पर केयर टेक केयर नेम सोनी एक नंबर दे रखे ही शिकायत हुआ तो थे पर सफाई निरीक्षक सुनील सैनी इनका नंबर ही वह भी दे रखे ही तो भाई अपर बया देखा तो माने फ़ोन करना चाहे कि इक अंदर बिल्कुल भी सफाई को नहीं है फिर भी मैं बता दूं कि जो खेतड़ी की जनता भी देख ले खेतड़ी का जो नेता लोग इन भी देख लें यो पुरुष को शौचालय है तो इक अंदर भी विजुअल के तहत देखेगा कितनी के साफ सफाई है तो खेतड़ी बस डिपो है भी के अंदर आया हाँ लोगों भी बातचीत करी ही जो रोडवेज है
जो चल रही है भी की कंडीशन ठीक होनी ही, पुरानी रोडवेज ही जो चालन की व्यवस्था में नहीं ही, बार रोडवेज चलाई जा रही ही, क्योंकि और रोडवेज जो एक अंदर आनी चाहिए भाई, गाड़ी आनी चाहिए, बस आनी चाहिए, बा आ रही को नहीं। थोड़ा का जो विधायक ही बनू, मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोकल जो नेता लोग ही बाहू रिक्वेस्ट करूँगी, राजस्थान सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई इतना इतनी रोडवेज देनी चाहिए और इतनी कंडीशन ख़राब हो रही है रोडवेजा की, फिर आ रोडवेजन चलाई जा रही हैं तो आने वाले टाइम पर कभी हादसों होगो तो भी की भरपाई की तरीका सरकार है वह करेगी। वीडियो ने शेयर और जो थारा सुझाव ही वह मेरे साथ में जरूर साझा करो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।